हैदराबाद के बाद दिल्ली सरकार ने 150 मशीनें ऐसी मंगाई हैं जो गटर की कई मशीनें ऐसी मंगाई हैं जो गटर की सफाई कर रही हैं। 35 से 40 लाख इन मशीनों की कीमत है, तो बैंक से लोन लेने पड़ते हैं। तो एक बदलाव यह आ रहा है कि मशीन से ये काम शुरू हो रहा है लेकिन बहुत छोटे स्तर पर, और दूसरे वर्ग के लोग इस पेशे में आ रहे हैं। लेकिन तब जब यह महंगी मशीनों के कारण ये इंडस्ट्री और बिजनेस की शक्ल इख्तियार कर रहा है, इस पहलू पर विस्तार से बात फिर कभी करेंगे, लेकिन ज़रूरी है। लेकिन अगर मशीनी समाधान है तो क्या हम इन तस्वीरों से मुक्ति के लिए इसमें निवेश नहीं कर सकते? दुनिया भर में गटर की सफाई ऐसे तो नहीं होती है, तो फिर किसी को समझ क्यों नहीं है बात की? वो भी तब हर दूसरे दिन सीवर की सफाई करते हुए मौत की खबरें आ रही हैं। हमारे यहाँ मशीनें क्यों देर से आईं? ये मशीनें भी उसी दिल्ली में कम पड़ जाती हैं, तभी तो तिलक नगर में किसी को नाले में नंगे बदन उतरना पड़ रहा है। इस मशीन से मात्र 15 मिनट में गटर की सफाई हो जाती है, जबकि हाथ से साफ करने में 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। जो गाड़ी आपके साथ है, कितने स्टाफ रहते हैं आप इसके अंदर? सर एक तो हमारा ड्राइवर है और दो हेल्पर। सर एक ड्राइवर और दो हेल्पर। हाँ जी। ये गाड़ी किस कंपनी के तहत, किस कंपनी ने खरीदा इसको? सर ये हमारी स्मार्ट ग्रीन इंफ्रा। अच्छा। हाँ जी। तो उनके पास कितना गाड़ियाँ ऐसा है? सर जैसे कि अब भर्तियाँ चली थी, जब हमारी 150 गाड़ियाँ थी, 150 गाड़ियाँ अभी और आने लग रही है, भर्तियाँ चल रही है, अभी आने लग रही है और आ रहे हैं। हाँ, और आ रही है। तो क्या ये गाड़ियाँ जो ये SBI लिखा हुआ है, जी जी, तो SBI ने लोन दिया है? जी, इसने SBI कंपनी ने इनको फाइनेंस किया है सर। अच्छा। और एक्चुअली ये गाड़ियाँ वो हैं जिन लोगों के घर से कोई मेंबर गटरों में जो मरे हैं लोग, गवर्नमेंट ने, केजरीवाल जी ने उनके फायदे के लिए कि भाई गाड़ी जैसे अब किसी के घर में लोग मर गए गटर में, तो उन लोगों को ये गाड़ी वो की है, मतलब कि भाई आप लोग पैसा इन्वेस्ट करके थोड़ा अमाउंट SBI आपको फाइनेंस करेगा, आपके नाम से गाड़ी निकलेगी, आप हमको पेमेंट देंगे दिल्ली जल बोर्ड से लेके, गाड़ी आपकी दिल्ली जल बोर्ड में काम करेगी। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं, समझ लीजिए कोई आम आदमी है जिसने SBI से लोन लिया, गाड़ी खरीद लिया, फिर इसने ग्रीन इंफ्रा को देता है गाड़ी? वही लोग हैं सर जिनके लोग गटर में मरते थे। अच्छा, ये ऑफर उनके लिए है, उन्हीं के लिए। हाँ, स्पेशल आम किसी के लिए नहीं है। जैसे किसी की फैमिली से कोई गटर में मर गया, हाँ, तो उनके लिए है ताकि वो थोड़े उठे। अच्छा, तो कितने लोग काम करते हैं इसमें? सर अभी 150 गाड़ियां हैं और एक गाड़ी पे 3 बंदे हैं सर। अच्छा। 2 हेल्पर 1 ड्राइवर, तो समथिंग 450 करीब लोग हैं अभी। अच्छा। बाकी वैकेंसी अभी ओपन है। अच्छा। और गाड़ियां भी आ रही हैं सर। आप ड्राइवर हैं? जी जी, मैं ड्राइवर हूँ सर, मैं हेल्पर हूँ। अच्छा, हेल्पर सर। आप हेल्पर है? पहले आप लोग इसी प्रोफेशन से थे कि दूसरे? नो 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 सर, हम दूसरे प्रोफेशन में थे। अच्छा। लेकिन अब इसमें आ गए, हमें अच्छा लगा क्योंकि केजरीवाल जी ने किया है, उन्होंने अच्छी सैलरी वैली ठीक दे रहे हैं। अच्छा। आगे भी हमारा थोड़ा भविष्य में लगता अच्छा है इसमें। अच्छा, इसलिए तो हम लोग भी ट्रेनिंग दिया जाता है आप लोग? फिर सर स्पेशली गाड़ी की ड्राइवर को और हेल्पर को 15 डेज की ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग? अच्छा। उसके बाद ही साइड पे भेजा जाता है। और कितने घंटे काम करते हैं आप रोज? सर 9 to 5 सर। 9 to 5 जी जी। अच्छा, तो ये जो गटर साफ करने में कितने समय लगा आपको, ये जो जाम था? सर ऐसा ये तो अभी इसमें कम है। हाँ, हाँ। तो इसलिए ज़्यादा नहीं, 20-25 मिनट लग गए। 20-25 मिनट में ये हो गया। हाँ, किसी में 1 घंटा भी लग जाता है, हाफ। अच्छा। आधा घंटा भी। और अगर एक आदमी अगर इसके अंदर घुसता साफ करता, उसको कितना समय लगता? उसको तो सर बहुत समय लगता, उसको तो वो धीरे धीरे निकालता, वो अलाउड ही नहीं है, कम से कम 2-2.5 घंटे। आपकी गाड़ी नहीं है जैसे पहले होता था, वो सर टाइम लगता था उसमें सर 2-3 घंटे में करेगा, वो क्लियर करेगा सर। वो बंदा पानी में अपना सर डबो के अंदर भी सफाई करनी पड़ती थी पहले। अच्छा। और सर जब से गाड़ी हमको तो बहुत फायदा सर, हमारे जैसे कि बकट था आपके सामने अंदर गया था, और जो भी इसकी ग्रेविंग डी सेल्ट थे वो बाहर काट गए हमारे, इसमें गाड़ी में ना कोई बाहर गंदगी होती है हमारे। हम लोग का ये बेस्ट है पार्ट सर, कि ये हम लोग जो भी इसमें निकालते गटर से वो हम अपने बकेट में डाल लेते हैं। अच्छा। फिर इसको अपने जहाँ पे अपना कूड़ेदान है वहाँ पे डाल के आते हैं, सेफ जगह। अच्छा। ऐसे कहीं नहीं डालते, गंदगी नहीं फैला रहे, गंदगी नहीं फैला रहे। तो इसमें क्या आप लोग ये प्रोफेशन में आकर खुश है, आप अपने परिवार चला पा रहे हैं? जी बढ़िया है, बिल्कुल बहुत अच्छी तरह सुधर रहा हमारा बहुत, मतलब आगे की सोच और कुछ है। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, अच्छा जो लोग समझ लीजिए कि तो जिनको जॉब नहीं मिला, जो जनरली पहले गटर के अंदर जाकर साफ करते थे, उन लोग के लिए काम है या नहीं, वो खत्म हो गया मशीन आने के बाद? नहीं नहीं सर, उनके लिए एक्चुअली क्या है, पहले तो वो लोग गटर में घुसते थे। हाँ। अब उनको वो बचाव हो गया सर, मरते नहीं है लोग अब। हाँ।
बहुत बढ़िया केजरीवाल का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। नहीं जॉब नहीं छीना है सर, एक्चुअली क्या जैसे जहाँ पर गाड़ी झुग्गियां बस्तियां हैं वहाँ पे बिल्कुल ही जगह नहीं है सर, तो वहाँ तो बंदा काम करेगा ना, वो खपच्ची से बांस से अपने जो भी औजार है उससे करता है वो क्लियर लाइन को, वहाँ गाड़ी नहीं जा पाती, जहाँ गाड़ी पहुँचने की वो क्षमता है वहाँ गाड़ी जम ले जाते हैं। हाँ लेकिन वो तो ठीक बात है, लेकिन वो तो सर बोलो, लेकिन वो तो कम है ना, अगर वो महीने में अगर समझ लीजिए उसको 20 काम मिलता था अब तो 5 मिलता है। नहीं नहीं सर बहुत है अभी भी ऐसे एरिया बहुत, हमारे दिल्ली के अंदर कितनी झुग्गी बस्तियाँ हैं, कितने छोटे DDA फ्लैट है, ऐसी ऐसी जगह जहाँ गाड़ी जाती नहीं है, ऐसे भी जगह है खानपुर संगम विहार आप तिकड़ी जैसे ऐसे एरिया जाके देखो आपको पता चलेगा वहाँ गाड़ी जाएगी नहीं।